अस्सलाम वालेकुम, कैसी है इमाद की यूट्यूब फैमिली। ब्रांड न्यू व्लॉग के इमाद के साथ हाजिर हैं हम, और इमाद का मूड फ्रेश करने के लिए हम जा रहे हैं इसको घुमाने फिराने के लिए बाहर। और इमाद का मूड यहाँ पे बिल्कुल नहीं था ठीक, और मैं इसको काबू करने की कोशिश कर रही थी। ये बिल्कुल भी वीडियो बनवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने इसकी वीडियो फिर भी बना ली। यहाँ हम बच्चों की फरमाइश पर आए थे, न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और इसकी बस लशपश ही है। लशपश देखकर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती जी। यहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। एक तरफ उन्होंने सिंध का हिस्सा बनाया हुआ था, एक तरफ पंजाब का हिस्सा बनाया हुआ था। ये मेन पर ही है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अंदर की डेकोरेशन भी काफ़ी प्यारी थी। बच्चों की जीते कि हमने जाना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ गए थे इमाद को लेकर और बच्चों को लेकर। बच्चों ने काफ़ी यहाँ पर इंजॉय किया था इन चीज़ों को देखकर। काफ़ी एंटीक के यहाँ पे डेकोरेशन पीस थे, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि खाना भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे बच्चे अपना खाना पीना सेलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हुई थी बर्थडे, और यहाँ पे इमाद भी कर रहा है इंजॉय। म्यूजिक लगा हुआ था काफ़ी फुल उसमें आवाज़ में। इमाद यहाँ पर डांस कर कर सबको दिखा रहा था, एंटरटेन कर रहा था सबको। और जी ये बैलून्स देखकर बड़ा खुश हो रहा था। और यहाँ पर आ चुका था सूप, और सूप था मेरा फेवरेट, लेकिन इसने कर दी थी मेरी तबीयत बेहद ख़राब। मैं इससे कहूँगी कि कभी भी चमकती हुई चीज़ को देखकर वहाँ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे इमाद को काबू करना होगा था मुश्किल। यहाँ पे साथ में जो आते हैं फ्राई पापड़, वो इमाद ने सारे पलट दिए थे और गिरा दिए थे। उसके बाद ये आयत की फेवरेट डिश आ चुकी थी चाउमन, जो बिल्कुल बेकार थे, जिसने सारी रात बच्चों के पेट में किया दर्द, बिल्कुल फजूल बेकार थे। उसके बाद हम आ गए घर, और इमाद जो हम यहाँ पे शॉपिंग करके आए थे, इमाद वो कपड़े दिखाना शुरू हो गया था। इमाद बन गया था पठान, और इमाद फैब्रिक को पकड़ पकड़ के चेक कर रहा था और उनको कर रहा था सेल। और उसके बाद इमाद ने अपनी शर्टें भी सेल करना शुरू कर दी। और यहाँ पर इमाद की शर्तों का कर इंजॉय। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।